मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। ये आदेश जस्टिस एम नाथ प्रसन्ना ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि कोर्ट का यह आदेश पिछले महीने पारित किया गया था। मंगलवार को इसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। शिकायत के अनुसार दक्षिण कन्नड़ जिले के दो लोग पिछले साल सितंबर के महीने में एक रात एक स्थानीय मस्जिद में घुस गए और जय श्री राम की नारे लगाए। इसके बाद स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इन धाराओं में धारा 295A धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना, 447 आपराधिक अतिक्रमण और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है और इसीलिए इसमें अपराध का कोई मामला नहीं बनता। मामले में वकील ने ये तर्क भी दिया कि जय श्री राम का नारा लगाना आईपीसी की धारा 295A के तहत परिभाषित अपराध की आवश्यकता को पूरा नहीं करता। इस बात को हाईकोर्ट की ओर से भी स्वीकार किया गया है कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मामले में अपना आदेश सुनाते हुए हाईकोर्ट के जज एम नाग प्रसन्ना ने कहा, ये समझ में आता है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, लेकिन जब शिकायतकर्ता खुद कहता है कि इलाके में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ रह रहे हैं तो इस घटना का किसी भी तरह से कोई नतीजा नहीं निकल सकता। बता दें कर्नाटक सरकार ने याचिकाकर्ताओं की याचिका का विरोध किया और उनकी हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में आगे की जांच की जरूरत है। हालांकि अदालत ने माना कि अपराध का सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। मामले में अपना आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने आगे कहा, सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि कोई भी कार्य आईपीसी की धारा 295A के तहत तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक उससे शांति स्थापित करने या सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता तो आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। आसान शब्दों में कोर्ट की ओर से कहा गया कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है, ऐसे में किसी शख्स का वहां जाकर जय श्री राम के नारे लगाना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। बहरहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट का ये फैसला सराहनीय है, जबकि कुछ लोगों ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई। लोगों ने पूछा कि क्या यदि कोई मुस्लिम मंदिर में घुसकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए तो क्या उसे भी सामान्य माना जाएगा, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।